हाय, दिस इज दिनेश एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल आजाद हाई स्कूल। आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द एक्सरसाइजेस 13.2। इससे पहले 13.2 एक्सरसाइज में आई थिंक आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन देखा होगा जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो थे वो फैक्टर्स निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं मिडिल टर्म को फैक्टर करके नहीं, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स उसके निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो दिया गया है पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, यहां पे सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से, वो करना है कि आपने एक फॉर्मूला यूज करना है 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। वो निकालना है कि 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है वो क्या आता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय इन कंप्लीटिंग द स्क्वेयर वी एड एंड सब्ट्रैक्ट। कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड में हम क्या करेंगे, एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। अब यहां पे अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये देख रहे हैं, यहां पे वेरिएबल हमारे पास पी है ना कि एक्स है, लेकिन आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे आपने एक्स ही लिखना है। अब एक्स की जगह पे यहां पे वेरिएबल क्या है, पी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स की जगह पे हम पी लगा देंगे का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ पी, देखिए पी का कोफिशियंट क्या है, 6। पी का कोफिशियंट क्या है, 6 है, तो 1/2 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 1 2 3 2 6। तो पीछे क्या रहा हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 9। तो अब हमारा ये 9 जो हमने क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, यहां तक जब आपने निकाली है ये फॉर्मूला लगा के, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इस मेथड से आप किसी भी तीन टर्म्स वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, 1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह पर आप पी, जो भी आपको एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल दिया जाएगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक्स का लगाया, ठीक है, एक्स के बाद मैंने पी लगाया, क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, पी वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, तो पी, अब कोफिशियंट ऑफ पी क्या है, 6 है, तो 1/2 वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई कोफिशियंट ऑफ पी क्या है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 3 2 6, एंड 3 का स्क्वायर होता है 9 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, इस 9 को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नाउ ऐड 9 एंड सब्ट्रैक्ट 9 इन दी गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लिख लेना आपने। तो क्या करेंगे, पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 8 प्लस 9 ऐड करना है। ठीक है, 9 ऐड भी करना है और 9 को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो -9। ठीक है, इस तरह से इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 9 को हम इधर ले आएंगे, -9, और प्लस 8 को हम लास्ट में ले जाएंगे। अब ये क्यों किया मैंने वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दिस मीन्स पी स्क्वेयर प्लस 6p प्लस 9 ये वैसे का वैसा रहेगा, हमने सब्ट्रैक्ट करना है एक टर्म को। ठीक है, आप यहां से भी डायरेक्टली कर सकते थे, 9 -8 कर सकते थे, लेकिन मैं यहां पे एक 9 को, आपने ये जो ऐड करेंगे आप 9, उसको आप सेम एज इट इज रहेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको आपने जो भी एक्सप्रेशन के साथ कांस्टेंट टर्म होगी उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो वो आपने करना है। ठीक है, अब यहां पे ये माइनस का 9 है जो सब्ट्रैक्शन वाला 9 था, सब्ट्रैक्ट 9, और जो गिवन एक्सप्रेशन में हमारी कांस्टेंट टर्म थी 8, अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 जो है वो माइनस का है, 8 जो है वो प्लस का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑलराइट,
अब यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है पी स्क्वायर प्लस, अब ये जो मिडिल टर्म में सिक्स है जो पी का कोफिशियंट है यानी कि सिक्स, इस सिक्स को आपने क्या करना है, टू मल्टीप्लाई थ्री कर लेना है, टू मल्टीप्लाई थ्री पी कर लेना है, ठीक है। टू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है कि सिक्स जो है वो टू के टेबल में कहां पे आएगा वो आपने देखना है। तो सिक्स टू के टेबल में कहां पे आता है, थ्री, तो हम क्या कर लेंगे, टू मल्टीप्लाई थ्री। हर एक क्वेश्चन में आपने टू के साथ ही उस गिवन नंबर को जो है मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है। जैसे टू थ्री जै सिक्स होता, अगर एट होता तो टू इंटू फोर कर देता, अगर टेन होता यहां पे तो टू इंटू फाइव कर देता, इस तरह से टू आपने रखना ही रखना है, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा लास्ट में माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस वन नहीं आएगा, अब नाइन है आगे, ये नाइन। अब नाइन किसका स्क्वेयर होता है, थ्री का, तो यहां पे हम कर लेंगे प्लस थ्री का स्क्वेयर कर लेंगे और माइनस वन लिख लेंगे इस तरह से। अब ये जो इतनी एक्सप्रेशन है यहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे पी प्लस थ्री के होल स्क्वेयर का। देखिए यहां पे मैं रफ करके बताता हूं, पी प्लस थ्री का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई पी, तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर प्लस नाइन प्लस थ्री टू जा सिक्स पी। तो देखिए वही बन जाएगी, ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही बन जाएगी, पी स्क्वेयर प्लस सिक्स पी प्लस नाइन, पी स्क्वेयर प्लस सिक्स पी प्लस नाइन, सिक्स पी लास्ट में है, नाइन पहले है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही सेम एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो मीन्स ये जो पहली तीन टर्म्स थी ये किसके फॉर्मूले में बन रही है, पी प्लस थ्री के होल स्क्वेयर में, और माइनस वन का भी हम होल स्क्वेयर कर लेंगे। माइनस वन का होल स्क्वेयर क्यों किया, क्योंकि वन का स्क्वेयर क्या होता है, वन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने वन का स्क्वेयर कर लिया। अब यहां पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि पी प्लस थ्री जो है वो ए है और वन जो है वो बी है, तो यहां पे क्या आएगा, ए की जगह पे पी प्लस थ्री और बी माइनस क्या है, तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ऑल राइट। एंड फिर ए प्लस बी, ए क्या है, पी प्लस थ्री एंड प्लस बी प्लस, यानी कि बी क्या है, वन है, तो ये वन लिखती है इसकी जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस थ्री, थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस टू, और यहां पे क्या आ जाएगा, पी प्लस थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा, पी प्लस फोर आ जाएगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ पी स्क्वेयर प्लस सिक्स पी प्लस एट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सेम इसी तरह से इसी मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका करके बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट जो दिया है वो दिया है क्यू स्क्वेयर माइनस टेन क्यू प्लस 21। अब इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये वाला किया है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, ठीक है, इतना सा लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू कोफिशेंट ऑफ, अब यहां पे वेरिएबल क्या है, क्यू, तो क्यू का होल स्क्वेयर, तो देखिए इक्वल टू वन अपॉन टू कोफिशेंट, क्यू का कोफिशेंट क्या है, माइनस टेन, ये ध्यान रखना है आपने, साइन भी आपने देखना है, कोफिशेंट ऑफ क्यू क्या है, माइनस टेन, तो मल्टीप्लाई माइनस टेन का होल स्क्वेयर, तो टू वन जा टू, फाइव टू जा टेन, ठीक है। तो फाइव माइनस का फाइव है और वन है, तो माइनस फाइव इंटू वन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस फाइव का होल स्क्वेयर, तो किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। तो नाउ अब क्या करेंगे, इसी 25 को हमने ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 25 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू स्क्वेयर माइनस 10 क्यू प्लस 25 माइनस 25 प्लस 21। ये जो 21 था ये हमने लास्ट में लिख लिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 25 को, तो ऐड किया 25 को, सब्ट्रैक्ट किया 25 को, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म थी 21 उसको हमने ऐड कर लिया लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा,
क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है। अब टेन टू के टेबल में कहां पे आता है ये देख लेना आपने, टेन टू के टेबल में कहां पे आएगा, फाइव में, तो टू मल्टीप्लाई फाइव क्यू, ऑल राइट। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो प्लस 5 का स्क्वायर, ऑल राइट। और 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये यहां तक ये जो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इसको लेना है और जिसका आपने स्केयर किया है उसको साथ में लिख लेना है। अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आएगा, अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां पे भी प्लस आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और माइनस 4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें क्यू माइनस 5 को, मैं यहां पे रफली आपको सॉल्व करके बताता हूं, क्यू माइनस 5 का होल स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ए स्केयर यानी कि क्यू का स्केयर, बी स्केयर यानी कि 5 का स्केयर 25, एंड माइनस 2ab, माइनस 2 * a, माइनस 2 * a³ * b⁵। तो क्या बन गया ये, क्यू स्केयर प्लस 25, 5 2 - 10 q, देखिए वही बन गया, क्यू स्केयर माइनस 10 q + 25, ये वही बन गया क्यू माइनस 5 का होल स्केयर, ठीक है। आप डायरेक्टली ये स्टेप बीच में से काट भी सकते हैं, ठीक है। और 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर। अब यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, वाई यूजिंग आइडेंटिटी, वाई यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो किसके बराबर होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पे ए क्या है, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ए की वैल्यू क्या है, ये जो क्यू माइनस 5 है ये हमारा ए है और 2 क्या है, बी है, ठीक है। तो ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह पे हम क्यू माइनस 5 पुट करेंगे और बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। यहां पे भी ए की जगह पे क्यू माइनस 5 और बी की जगह पे 2, तो देखिए क्या बन जाएगा, इक्वल टू ए माइनस बी, ए यानी कि क्यू माइनस 5 और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और बी क्या है हमारा, बी क्या है यहाँ पे देखिए, ये बी है 2, यहाँ ये 2, तो यहाँ आ गया माइनस 2, ठीक है ये आ गया। और ए यानी कि क्यू माइनस 5 और प्लस बी, प्लस यानी कि प्लस का 2, तो ये क्या बन गया, क्यू माइनस 5 और माइनस 2 क्या बन गए, माइनस 7, एंड क्यू माइनस 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, -3। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 10 q + 21। इस तरह से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फैक्टर्स जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। द लास्ट पार्ट इज गिवन एज पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 6p माइनस 16। अब ये दिया है, इसका सॉल्यूशन देखिए, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 1/2 कोफिशियंट ऑफ, यहां पे क्या है, वेरिएबल p है तो p ही लेंगे, ब्रैकेट होल स्क्वायर। पहला मेथड आपका, पहला स्टेप आपका यही रहेगा। तो 1/2 कोफिशियंट ऑफ पी क्या है, पी का कोफिशियंट यहां पे भी 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर, 2 1 = 2, 3 2 = 6, एंड 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। आप क्या करेंगे, इस 9 को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखिए, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9 इन दी गिवन एक्सप्रेशन। तो जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया माइनस 9, और लास्ट में ये जो टर्म हमारा कांस्टेंट नंबर है माइनस 16, ठीक है, इक्वल टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9, अब ये माइनस 9 और माइनस 16 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 25, ऑल राइट। नेक्स्ट इक्वल टू, अब यहां तक ये जो देखें ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाता है अगर आप ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर प्लस 2 * 3p प्लस
ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 25। अब ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पी प्लस, लास्ट में किसका स्क्वायर है, 3 का है। अब देखिए पूरे टर्म में हर एक एक्सप्रेशन के बीच में, हर एक टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तो बीच में यहाँ पे प्लस ही आएगा। बस आपने यहाँ पे देखना ध्यान, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और लास्ट में 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। -25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इसी के बराबर होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए अगर मैं इसको पी प्लस 3 के होल स्क्वायर को सॉल्व करता हूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 टू जा 6p। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6p सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने करना है, और -5 का अब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी विच वन, ए प्लस सॉरी ए माइनस, बीच में माइनस है, ए माइनस पी का होल स्क्वायर, ये माइनस है ठीक है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए यहां पे जो है वो क्या है, ये पी प्लस 3, ये पी प्लस 3 जो है ये ए है, और 5 क्या है बी है ठीक है। तो क्या आएगा फिर, ए की जगह पे पी प्लस 3 माइनस बी की जगह पे 5, देन नेक्स्ट स्टेप ए प्लस बी, ए की जगह पे पी प्लस 3 एंड बी, बी यानी के 5, तो प्लस का 5 इक्वल टू 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा साइन माइनस का, क्योंकि 5 और 3 में 5 बड़ा है और 5 के साथ साइन क्या है माइनस ठीक है। तो ये आ जाएगा पी माइनस 2 एंड यहाँ पे 3 और 5 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो पी प्लस 5 एंड 3 8। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, जो भी आपके डाउट्स हैं हम उसको जरूर पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।